नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे गार्डन में खिले हुए ये प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर हिबिस्कस के फूलों के साथ। ये बहुत ही सुंदर हैं और कई दिनों से ना ये लगातार खिले ही जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि हमने विंटर सीजन के लिए क्या क्या तैयारी की है, कौन कौन से हमने विंटर सीजन के फ्लावरिंग प्लांट लगाए हैं, यानी सीड ग्रो किए हैं, या कौन कौन से फिर हमने वेजिटेबल ग्रो किए हैं। तो आइए फिर चलते हैं। फ्रेंड्स, ये जो बड़े बड़े प्लांट निकल रहे हैं, थोड़े बड़े बड़े, ये हैं हमारे डॉग फ्लावर के प्लांट जिनको हमने लगाया है सीड से। हमने इनको लगा तो काफ़ी पहले ही दिया था, लेकिन अब जब आई है ना मौसम में ठंडक, मतलब 10 अक्टूबर के बाद से ही ये ग्रो होने चालू हुए हैं। लेकिन हमने इनको सितंबर में ही लगा दिया था, 10 सितंबर के आसपास लगा दिया था, लेकिन ये 10 अक्टूबर के बाद ग्रो होने स्टार्ट हुए हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद ये लगे हुए हमारे इसी वाली ट्रे में ये छोटे छोटे जो निकल रहे हैं, ये हैं हमारे अलाइसम के प्लांट, और ये भी निकलने स्टार्ट हो गए हैं। सारे ना एक साथ ही निकलने स्टार्ट हुए हैं। और ये जो हमारे लगे हुए हैं, ये हैं हमारे कॉस्मोस के प्लांट। फ्रेंड्स, ये हमने तीन तीन चार चार जो क्यारी है ना, मतलब ये खाने हैं तीन तीन चार चार, ये हमने एक एक तरह के इनमें बीज लगा दिए थे। और फ्रेंड्स, ये हमारे निकले हुए हैं, ये जो ये हैं हमारे शिमला मिर्च के बीज प्लांट निकले हैं, मतलब हमने इसमें डाले थे शिमला मिर्च के बीज। और ये है हमारी ग्रीन वाली शिमला मिर्च। ये हैं फ्रेंड्स हमारे पिटूनिया के सीडलिंग, ये देखिए हमने इनको किया है बीज से ग्रो, और ये बहुत ही जल्दी ग्रो हो गए थे। बाकी तो हमारे बहुत लेट ग्रो हुए हैं, और इनकी तो हमने कुछ सीडलिंग जो है ट्रांसप्लांट भी कर दी है। ये देखिए, ये हमने छोटे छोटे गमलों में इनकी सीडलिंग ट्रांसप्लांट कर दी है। और फ्रेंड्स, इसके बाद है ये हमारे गजानिया के, ये छोटे छोटे से ये जो निकल रहे हैं, ये गजानिया के प्लांट हैं। ये देखिए, गजानिया के प्लांट भी हमारे निकलने स्टार्ट हो चुके हैं। और फ्रेंड्स, हमने कुछ लगाई है वेजिटेबल, ये देखिए, ये है हमारी ब्रोकली की सीडलिंग जो काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है। जब इनमें एक या दो पत्ते और आ जाएंगे तो फिर हम इनको भी ट्रांसप्लांट कर देंगे। ये है फ्रेंड्स हमारे सिनेनेरिया के प्लांट, ये देखिए, इसमें भी हमने सिनेनेरिया के जो है बीज डाले थे, और इसमें अभी भी है ना सिनेनेरिया के प्लांट छोटे छोटे निकल रहे हैं। ये देखिए, और कुछ थोड़े बड़े हो गए हैं, कुछ टाइम के बाद हम इन्हें भी रिपोर्ट कर देंगे। ये हैं फ्रेंड्स हमारे डॉग फ्लावर के प्लांट, ये देखिए, अब इनके भी है ना छोटे छोटे बीज, मतलब प्लांट निकलने स्टार्ट हो चुके हैं। और इन सबको ना हमने एक साथ लगाया था एक ही दिन, कोई थोड़ा बड़ा हो गया और कोई थोड़ा छोटा रह गया, लेकिन धीरे धीरे करके ना सभी निकल जाएंगे। और इसमें फ्रेंड्स, ये आपको दिखाई दे रहे हैं जो छोटे छोटे, ये हैं एस्टर के बीज, ये देखिए, ये भी है ना छोटे छोटे से निकलने स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ है फ्रेंड्स हमारे आइस प्लांट, ये देखिए कितने सारे निकल चुके हैं हमारे आइस प्लांट छोटे छोटे। और इनको हमने लगा दिया एक मिट्टी के पॉट में, मतलब इनकी सीडलिंग की थी, और इन्हीं के साथ लगा हुआ है ये एक मैरीगोल्ड का प्लांट। ये हैं फ्रेंड्स हमारे कुछ कैलेंडुला के प्लांट, इनको भी है ना हमने सीड से ही ग्रो किया है, और एक दो में तो अभी कलियाँ भी आनी स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए, इसमें कली बननी स्टार्ट हो चुकी है। इनको हमने लगा दिया था जुलाई में ही, जिससे कि अब इनमें कलियाँ बननी स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ लगे हुए हैं कुछ हमारे टाइंथस के प्लांट, ये देखिए यहाँ हमारे, और कई इनको हम लाए थे नर्सरी से, इनकी छोटी छोटी सीडलिंग, और इनमें कईयों में तो फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, और कई प्लांट में जो है कलियाँ बननी शुरू हो चुकी हैं, और कई में फ्लावर होने स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ हैं फ्रेंड्स हमारे कुछ वेजिटेबल के प्लांट, ये हैं हमारे बैंगन के प्लांट, इनको लेके आए थे हम नर्सरी से, और यहाँ लगा दिए हैं हमने अपने चेरी टमाटो के प्लांट, जो कि हमने सीड से ग्रो किया था, और इनको अब हमने अलग अलग करके एक एक मतलब बैग में लगा दिए हैं। हमने तीन तीन या दो दो प्लांट लगा दिए हैं, अब ये अच्छे चलने स्टार्ट हो चुके हैं, और उनसे भी पहले लगा रखा है हमने इनको। ये वाले हमारे सिंपल वाले टमाटर के प्लांट हैं, जो हम अपने घर में यूज़ कराते हैं, तो वही हमने डाल दिया था ऐसे ही क्यारी में, उनके बीज निचोड़ के, तो ये हमारे टमाटर के प्लांट निकल आए, और इनको भी हमने लगा दिया।
और इसी के साथ ये लगे हुए हैं हमारे और भी चेरी टमाटो के प्लांट। यहाँ भी लगे हुए हैं फ्रेंड्स हमारे कुछ बैंगन के प्लांट, और इनको भी हम लेके आए थे नर्सरी से कुछ दिनों पहले। और ये देखिए अब इनमें बैंगन बनने भी स्टार्ट हो चुके हैं, छोटे छोटे से बैंगन स्टार्ट हो चुके हैं बनने। इसमें भी बन रहा है और ये इसमें भी बन रहा है, और बाकी इसके पास और भी हैं। ये देखिए इसमें बन रहे हैं लंबे वाले बैंगन, और उसमें है एक ग्रीन कलर का बैंगन लगा हुआ है, वो ग्रीन कलर के बैंगन वाला प्लांट है। यहाँ लगा रखी हैं फ्रेंड्स हमने कुछ हरी पत्तेदार सब्जियाँ। ये देखिए ये है हमारा चने, हमने इसमें चने लगा रखे हैं, और उसी के पास है हमारा हरा धनिया। ये देखिए कितना बड़ा हो चुका है हमारा हरा धनिया। और फ्रेंड्स चने को लगाए हुए तो हमें सिर्फ 8 ही दिन हुए हैं, और ये देखिए 8 दिनों में ये कितना बड़ा हो गया है हमारा चना। यहाँ लगाए हैं हमने चकुंदर, जिनको कि बोलते हैं बीट रूट, और ये अच्छी तरह से अब ग्रो हो चुके हैं। ये देखिए अब देखते हैं थोड़ा गहरे होंगे तो हम इनको एक एक दो दो करके ट्रांसप्लांट कर देंगे। यहाँ है फ्रेंड्स हमारी मेथी, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये ग्रो हो चुकी है और एकदम भर गया है पॉट मेथी से। यहाँ है फ्रेंड्स हमारा पालक, ये देखिए इसको हमने ना हार्वेस्ट भी कर लिया है 2 बार, और ये बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है पालक। और हमने एक जगह और लगा दिया है अब एक वेजिटेबल वारी, वेजिटेबल की जो रहती है ना कैरेट, उसमें लगा दिया है हमने और भी पालक। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।